सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ऐसा संदेश लिखा जिस किसी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर देखा सब हैरान है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नाम क्या और किस तरह का संदेश सचिन पायलट ने पोस्ट किया है, तो खुद ही देख लीजिए। दरअसल आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन है और सचिन पायलट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा है कि राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं। तो वहीं कांग्रेसी नेता रघु शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह अगले दो दिनों में राजगढ़ में कई सभाएं लेकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। तीनों ही नेता शुक्रवार यानी कि आज अलग अलग वक्त पर पहले भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद में शुक्रवार और शनिवार को यानी कि आज और कल राजगढ़ में सभाएं होंगी। हाल ही में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मोदी के बयान इन दिनों अजीबोगरीब आ रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। दो भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, ये क्या बयान है। हमारी कांग्रेस सरकार ने तो दो गाय और दो भैंस का बीमा किया था, ये पता नहीं कहां से मंगलसूत्र लेकर आ गए, कहां से भैंसे लेकर आ गए। लोगों को हंसी भी आ रही है कि प्रधानमंत्री को हो क्या रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तारीफ करते हुए गहलोत ने बात करते हुए कहा, कितना शानदार घोषणा पत्र है जिसमें सभी वर्ग की बात है, लेकिन बीजेपी झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जनता के जो मुद्दे आए उस पर ये घोषणा पत्र है। आगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, दो दो मुख्यमंत्री जेल में है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जमकर घेरा। अब ऐसे में देखना होगा इस आरोप प्रत्यारोप की बौछार में 4 जून को जनता किसको जीत का हार पहनाएगी और किसको हार की तस्वीर दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।